गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट एजुकेशन में आज की टॉपिक मैंने लिया है अधिगम की विधियां। ठीक है, अधिगम को सीखना भी कहते हैं, या तो आप इसको कह सकते हैं सीखने की विधियां या अधिगम की विधियां। ठीक है, देखिए मनोवैज्ञानिक ने सीखने के कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक थे कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत से सीखने को परिभाषित किया। ठीक है, तो एक तरह मनोवैज्ञानिक ने सीखने के कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सीखने के विधियों का विकास हुआ है। ठीक है, यानी कि जो सीखने की विधियां हैं, जो मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है उन्हीं पर आधारित है, मतलब उन्हीं सिद्धांतों से विकास इन विधियों का हुआ है। ठीक है, देखिए इन विधियों के नाम इस प्रकार हैं। अब एक विधि कौन कौन है, ठीक है, अब ये विधि कौन कौन है उनका वर्णन यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए उनमें जो विधियां हैं चार मुख्य होती हैं। पहली है अनुकरण विधि, ठीक है, दूसरा है सोच या अंतर्दृष्टि विधि, तीसरा है प्रयास एवं त्रुटि विधि, और चौथा है संबद्ध प्रत्यावर्तन विधि। ठीक है, संबद्ध प्रत्यावर्तन विधि। तो अब देखिए एक एक जो विधियां हैं उनको हम जानेंगे। सबसे पहले हम अनुकरण विधि के बारे में जानते हैं। देखिए अनुकरण विधि को मैक्डूबल महोदय ने किस प्रकार परिभाषित किया, यानी कि एक मैक्डूबल जो नाम है बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक है, तो जो महान मनोवैज्ञानिक मैक्डूबल है उन्होंने अनुकरण विधि को कैसे परिभाषित किया, आइए जानते हैं। ठीक है, देखिए मैक्डूबल महोदय ने अनुकरण विधि को कैसे परिभाषित किया। देखिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसके जो कार्य है या उसका जो व्यवहार है, अगर दूसरा आदमी उसके कार्य और व्यवहार को देख के नकल करता है और नकल करते हुए ही वैसा ही कार्य करता है जैसा कि वो करता है, तो वह क्या कहलाएगा, अनुकरण करता है। ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि ये जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति के क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है या नकल कर रहा है। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति का नकल करके दूसरा व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार को बढ़ाए तो वह क्या कहलाएगा, अनुकरण विधि कहलाएगा। ठीक है, ये किसने कहा, मैक्डूबल महोदय ने बताया। अब देखिए दूसरा हेडिंग है सोच या अंतर्दृष्टि विधि। सोच या अंतर्दृष्टि विधि का मतलब क्या होता है, देखिए इस विधि का आधार मनोवैज्ञानिक कोहलर द्वारा किए गए प्रयोग है, यानी कि जो कोहलर महोदय थे उन्होंने सोच या अंतर्दृष्टि विधि को बताया। ठीक है, अब देखिए अगला है प्रयास एवं त्रुटि विधि। प्रयास एवं त्रुटि विधि, देखिए इस विधि का आधार मनोवैज्ञानिक फाइनराइट का प्रयोग है, यानी कि जो महोदय थे मनोवैज्ञानिक थार्नराइट महोदय, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि विधि को प्रतिपादित किया। ठीक है, और यह एक बिल्ली पर प्रयोग किया, मतलब थार्नराइट महोदय ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया, तो जिसे उसने मतलब सीखने के विधि को मतलब इन्होंने ऐसे रूप में बताया प्रयास एवं त्रुटि विधि। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज सीखना है तो आप अगर बार बार प्रयास कर रहे हैं, भले थोड़ी थोड़ी त्रुटि हो तो आप त्रुटि करते 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 क्या कर सकते हैं, कभी एक समय ऐसा आएगा कि जो सीख सकते हैं, यानी कि आपका अगर त्रुटि हो रही है तो आप अगर प्रयास कर रहे हैं फिर प्रयास कर रहे हैं, प्रयास को बंद नहीं कर रहे हैं, प्रयास को जारी रख रहे हैं, तो प्रयास करते 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 आप क्या करेंगे, आप सीख जाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो इस तरह थार्नराइट महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। उन्होंने किसके प्रयोग किया, यह अपना जो अधिगम का प्रयोग था उन्होंने बिल्ली पर किया। ठीक है, और यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखिए अगला जो चौथा जो लास्ट में यह विधि है संबद्ध प्रत्यावर्तन विधि। ठीक है, तो संबद्ध प्रत्यावर्तन विधि क्या है, देखिए इस विधि का आधार रूस के मनोवैज्ञानिक पावला द्वारा किया गया। ठीक है, यानी कि जो रूस के महान वैज्ञानिक पावला थे उन्होंने संबद्ध प्रतिक्रिया विधि का प्रतिपादन किया गया प्रयोग एवं उस पर आधारित सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जो पहला महोदय थे उन्होंने संबद्ध प्रत्यावर्तन विधि का प्रतिपादन किया और
इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया, पावलोनिक कुत्ता पे किया, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो में सीखने या अध्ययन की विधियों के बारे में जाना, उनकी जो चार विधियां हैं, अनुकरण विधि, सूर्य अग्र दृष्टि विधि, प्रयास विधि और